स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। डेफिनेटली ये चैप्टर जो है वो एल्जेब्रा से रिलेटेड है। इसकी एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो उसमें आपको कह रहा है वो कि एक्स प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9, और इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमने लेके आना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपके पास पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 3, मैंने एज इट इज राइट कर दिया। जो नीचे वाला है ना, इसको अगर आप गौर से देखें, ये है आपके पास 2x स्क्वायर ओके प्लस 9x प्लस 9। स्टूडेंट्स यूं ही ये बाहर वाली टर्म्स हैं 2 और 9, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 9 18 आ गया ओके। इसको अब हमने ब्रेक कर लेना है, दरमियान में क्या है 9 9x है, x के साथ 9 है। इस 18 को हमने ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आए, और जब इनको आपस में ऐड करें तो दरमियान वाला नंबर 9 आए। इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना, ये आपकी मिडिल टर्म है, इसको आपने तोड़ना है। अच्छा देखिए, इसके फैक्टर्स बनाए 2 9 3 6, सबसे पहले था 180, वो मैंने लिखा नहीं, 2 9 18, लेकिन 2 और 9 को अगर आप ऐड करें तो 11 बनेगा, माइनस करेंगे तो 7 बनेगा, लेकिन 3 और 6 को अगर आप ऐड करें तो 9 बन जाएगा। इट मींस कि जो इसके ये देखें, ये 2x स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख लिया साइड पे, ये प्लस 9 भी वैसे राइट कर लिया। 9x को अगर मैं लिख दूं, स्टूडेंट्स देखें 6x प्लस 3x, तो ये 9x ही बन गया ना, 6x प्लस 3x क्या होता, 9x होता, तो ये 9x ही लिखा हुआ, लेकिन यू ब्रेक करके, क्यों, हमने इसके क्या बनाने हैं स्टूडेंट्स, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं ओके। देखिए ये 2x का प्लस 6x अगर देखें तो इसमें और इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो स्टूडेंट्स x भी कॉमन आ गया। देखिए अच्छा, x भी कॉमन आ गया, अब यहां से 2 भी कॉमन चला गया, एक x भी कॉमन चला गया, एक x बच गया, लिख दिया x कॉमन चला गया यहां से, इसमें से 2 के टेबल में 6 कब आता, 2 3 6 ले जी। अच्छा इसी तरह प्लस ये 3 के टेबल में आता, ये भी आता, ये हमने राइट कर लिया कॉमन, यहां क्या रह गया x, क्योंकि 3 कॉमन चला गया, प्लस 9 के टेबल, 3 के टेबल में 9 कब आता, 3 3 9, क्लियर है इस बात पे ओके। इसको अगर आप करें देखें, x प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x प्लस 3 यहां पे आ गया कॉमन, यहां रह गया 2x और यहां रह गया प्लस 3। ये बात समझ में आई आपको, ये इससे ये हमने डिराइव कर लिया, लेकिन इसको मैं दो स्टेप्स में यहां लेके चलूंगा। देखिए पहले तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू, देखिए x प्लस 3, अब इसकी जगह ये अगला स्टेप ये था, क्या था, 2x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, एक्स प्लस 3 अपॉन, इसमें भी x प्लस 3, इसमें भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन स्टूडेंट्स, और यहां आ गया 2x प्लस 3, 2x यहां से बच गया और 3 यहां से बच गया। अब इसको लेके चलते हैं, 1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 ओके, 2 इंटू 2x माइनस 3 ओके। अब देखिए ये तो हमने स्टूडेंट्स लिख लिया या कर लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आइए देखते हैं। इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूं, 4x स्क्वायर को लिख सकता हूं 2x स्क्वायर जी, माइनस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो वो फार्मूला हमें याद है ना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीपल टाइम हमने ये देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज योर ए एंड दिस इज बी ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा। अच्छा अब यहां हम इसको लेवल कर रहे हैं, जरा बराबर कर रहे हैं, इस स्टेप तक लेके आ रहे हैं ठीक है, ये इतने स्टेप्स इसकी वजह से हुए ठीक है, यहां हमने राइट कर दिया। वो चीज जो मैंने यहां समझाई ना आपको, वो मेरा प्लान था कि मैं इसको यहीं डायरेक्ट लिख दूंगा ताकि ये स्टेप्स आपके बच जाएंगे, लेकिन हमने जब क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स देने, तो हमने इन चीजों को यहां रफ की बजाय यहां शो कर देना, क्यों कि हमने ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ना,
कोई ऐसा एंगल ना हो कि जिसकी वजह से बोर्ड में हमारे मार्क्स डिडक्ट होने का किसी किस्म का कोई डाउट हो। ओके अब देखें, यहां एच प्लस थ्री है, यहां भी एच प्लस थ्री है, ये एच प्लस थ्री स्टूडेंट कैंसिल हो गया, हो गया क्लियर ना यहां पे? तो ऊपर क्या रह गया, कुछ नहीं, तो वन बच गया, ऐसी है ना। अच्छा अब हम इसको अगर आप देखें यहां लेके चल रहे हैं, ऊपर है वन, नीचे क्या बचा सिर्फ टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा दरमियान में प्लस का साइन, वन अपॉन टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा यहां माइनस का साइन फोर एक्स, अच्छा टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा। अब एलसीएम लेना है हमने इस सारे का, 2x प्लस थ्री यहां पे 2x माइनस थ्री है, लेकिन इसमें 2x प्लस थ्री भी है और 2x माइनस थ्री भी है, साथ में ये 2 आ गया और ये ही सारा आ गया 2x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई ना, क्योंकि ये 2x प्लस थ्री, 2x माइनस थ्री, इसमें ये वाला भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, 2 रह गया था वो साइड पे मैंने राइट कर दिया। अब ये जो एलसीएम हमने निकाला है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इस डिनोमिनेटर से। देखें 2 इंटू टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू टू एक्स माइनस थ्री, क्या बचा 2 इंटू टू एक्स माइनस थ्री, ये बच गया ना। इसको जो बचा ऊपर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा जब इसको ऊपर वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना, वन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता तो वही रह जाता, टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री। अच्छा प्लस, देखिए अब यही डिनोमिनेटर है टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री, टू से टू कट गया, टू एक्स माइनस थ्री इससे कट गया, टू एक्स प्लस थ्री बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वन से तो क्या आएगा 2x प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा अब आगे चलते हैं, ये एलसीएम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम क्या है 2 इंटू टू एक्स प्लस 3 इंटू टू एक्स माइनस 3, इसको किससे डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3 से और 2x माइनस 3 से, इस डिनोमिनेटर से, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, 2 4 जा 8x हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब आगे चलते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 8x अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा भाई 4x और 2x कितने हो जाएंगे 6x, प्लस के 6x माइनस 8x, देखे ना 4x और 2x 6x माइनस 8x, तो क्या बचा माइनस 2x, ऐसा यहां मैंने राइट कर दिया माइनस 2x, इससे इससे और इससे। अच्छा माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3, ये बात भी समझ में आ गई, माइनस 6 और प्लस 3 क्या होगा माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू टू एक्स माइनस थ्री, इक्वल का साइन आ गया। अब देखें यहां से अगर स्टूडेंट्स इसको मैं यहां लिख कर लेता हूं, ये ले, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस वन कॉमन आ गया, दोनों के साइन बदल गए, ये माइनस टू एक्स ये प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसका साइन भी चेंज हो गया, ये प्लस थ्री हो गया, डिवाइडेड बाय ये आ गया टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री, ये बात समझ में आई ना, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर 2x प्लस 3 नीचे भी 2x प्लस 3, ये कट गए, कटम पीटी होगी भाई, ऊपर क्या बचा माइनस 1 अपॉन ये रह गया 2 क्योंकि 2x प्लस 3 खत्म हो गया और इंटू 2x माइनस 3, ले जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 6.2 का। तो अब इंशाल्लाह जो अगली हमारी वीडियो होगी उस पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।